तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं जी जो एसएसबी की ओर से हेड कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जेवी आउट हो चुका है और इसमें जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा उसमें आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 6.5 मिनट्स में मेल कैंडिडेट्स को, और जो फीमेल कैंडिडेट्स को रनिंग करनी होगी वो करनी होगी 800 मीटर कितने मिनट्स में, 4 मिनट्स में रनिंग करनी होगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो कैसे हैं आप सब, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम फिर से एक बार आपके साथ आए एक और नई जॉब अपडेट के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएसबी की ओर से सीधी भर्ती आ रही है उसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में कि इसमें आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी, कितनी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी और सैलरी जो आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 81,000 यानी कि 81,000। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है 12वीं पास, यानी कि आपके पास कम से कम 12th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो भर्ती आ रही है जे एसएसबी की ओर से ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एज लिमिट क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, क्योंकि जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलती है और मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एसएसबी की ओर से भर्ती आ रही है इसमें आपको मंथली सैलरी कितनी दी जाएगी। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी देख सकते हैं जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 25,500 से लेकर 81,100 तक पर मंथ आपको सैलरी इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी, यानी कि 25,500 से लेकर 81,100 तक आपको मंथली सैलरी इस जॉब में दी जाएगी अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। और फ्रेंड्स जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जानने की आपके पास कम से कम 10+2 जानने की 12वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके बाद आप देख सकते हैं जो एज लिमिट मांगी गई है हेड कॉन्स्टेबल की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए वो मांगी गई है 18 ईयर से लेकर 25 ईयर्स तक, यानी कि आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल में होनी चाहिए। कि साथ में आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन आपको एज लिमिट में देखने के लिए मिलेगी। साथ ही जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन आपको एज लिमिट में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो एसएसबी की ओर से रिक्रूटमेंट आ रही है भर्ती आ रही है उसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में कि कौन कौन सी पोस्ट्स आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें आपको एक ही पोस्ट देखने के लिए मिलेगी, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट देखने के लिए मिलेगी, जिसमें जनरल की जो वैकेंसी है वो है 47 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 11 वैकेंसी है, ओबीसी की 26 वैकेंसी है, एससी की 21 वैकेंसी है और एसटी की 10 वैकेंसी है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें जो टोटल वैकेंसी एसएसबी की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए वो की गई है 115 वैकेंसी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट कब है। तो जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 22 अगस्त 2021। और जो अप्लाई मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो आप 20 अगस्त 2021 से पहले पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस जॉब में जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद अगर आप इन टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम होगा और उसके बाद एक आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें क्या होगा। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स का फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी कितने मिनट में, 6.5 मिनट में। इसके बाद हाइट जो चाहिए आपको मिनिमम, अगर आप जनरल ओबीसी या एससी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन जो कैंडिडेट एसटी से बिलोंग करते हैं उनकी जो हाइट मांगी गई है मिनिमम वो होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो चेस्ट मांगी गई है, जो कैंडिडेट जर्नल ओबीसी या एससी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो हाइट रखी गई है वो रखी गई है 77 से 82 सेंटीमीटर। और जो एसटी कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी जो चेस्ट होनी चाहिए मिनिमम वो होनी चाहिए 76 से 80, यानी कि 76 अनएक्सपेंडेबल एंड 81 एक्सपेंडेबल आपकी चेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स का एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसमें क्या होगा तो आपको 800 मीटर की रनिंग करनी होगी 4 मिनट्स में। इसके बाद जो मिनिमम हाइट मांगी गई है गर्ल्स के लिए जो जनरल ओबीसी या एससी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट्स एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 150 सेंटीमीटर। तो ये बात होगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो इस जॉब में तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा कि 10th या 12th पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास 10th या 12th पास की मार्कशीट या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, और अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में, और साथ ही में आपके पास अपने सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या फिल करना होगा जी आप देख सकते हैं, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, जैसा भी डिटेल्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है एसएसबी की, वहाँ पे आपने रजिस्टर कर लेना है खुद को। कैसे करना है, ईमेल, पासवर्ड और फ़ोन नंबर यूज़ करके। उसके बाद आपने अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाना है जो आपने न्यूली क्रिएट किया है। उसके बाद आपने इस नोटिफिकेशन को सर्च करना है। उसके बाद आपने कंप्लीट नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड कर लेना है, और अगर आप एलिजिबल हैं देन आपने फर्दर प्रोसीड करना है। उसके बाद अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसा कि फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, जैसे भी डिटेल्स आपको, जैसे भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी प्रोफाइल में अपलोड करने हैं। उसके बाद आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है, और एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस पे कर देनी है लास्ट डेट से पहले पहले, और लास्ट में आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में। तो अगर आप जर्नल ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी वो लगेगी 100 रुपीज़। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, और जो पेमेंट मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। और फ्रेंड्स, जो बीएसएफ की ओर से सीधी भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 20,000 यानी कि 20,000, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है 10वीं पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। और ये जो भर्ती आ रही है ये बीएसएफ की ओर से सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, क्योंकि जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलती है और मिलती रहेगी।